पेशावर में फौजी काफिले पर दहशतगर्दों का हमला, जवानों की मौत से जवाबी कार्रवाई से हम दुश्मन पसपा। फायरिंग के तबादले में दो जवान शहीद, तीन दहशतगर्द मारे गए। वजीर आजम हाउस में ऑडियो लीक से तहकीकात के लिए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में 12 रुकनी आला कमेटी कायम। ISI और IB के अफसरान भी कमेटी में शामिल। कल पहला इजलास मुतवक है। कमेटी तहकीकात के बाद सिफारिशात मुरतब करके वजीर आजम को रिपोर्ट देगी। खुफिया मुलाकात करने वाला इमरान खान NRO मांग रहा है। इससे NRO नहीं मिलता तो बाहर आकर शोर करता है। लीगी नायब सदर मरियम नवाज के ताक ताक कर बार कहा, इमरान खान इक्तदार में थे तो फौज अच्छी थी, इक्तदार गया तो फौज पूरी हो गई। ऑडियो सामने आ जाने के बाद इमरान खान का साइफ वाला बयान ही अभी झूठा निकला। FIA साइबर क्राइम की इस्लामाबाद में बड़ी कार्रवाई। हेलीकॉप्टर हादसे पर सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन में 14 अफराद गिरफ्तार। और किसानों और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं बिजली बिल मौखर और इक़साद करने के साथ फ्यूल एडजस्टमेंट के खात्मे का मुतालबा भी तस्लीम कर लिया। वज़ीर आज़म जल्द किसान पैकेज का ऐलान करेंगे।